याद है वो दिन। काश जल्दी खुल जाए सरोजिनी नगर, याद तो बहुत आ रही है। लेकिन अगर इतनी यादें आ रही हैं तो उससे पहले ये वीडियो देख लो। हाय गाइस, वेलकम टू फंकीनेस विद भावना। मैं हूँ एक वेकेशन मोड पे। इवन इन दिस क्वारंटीन आई कैन एंजॉय माई सेल्फ सिटिंग एट होम एंड इमेजिनिंग कि मैं केरला में ही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लाई हूँ सरोजिनी नगर हॉल, और ये सरोजिनी नगर हॉल मेनली इसलिए था क्योंकि मैं केरला जाने वाली थी, और उसके लिए मैंने बहुत सारा फ्लोरल स्टफ लिया था, बहुत सारी मैक्सी ड्रेसेस ली थी, और सोचा था कि वाओ, लाइक दिस इज़ द अल्टीमेट सरोजिनी नगर कलेक्शन दैट आई कैन डू टू गो ऑन अ वेकेशन। तो इसलिए मैंने ये वियतनाम की हैट पहनी है क्योंकि मैंने कहीं से कलेक्ट कर ली, और तो फिर मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं। सो आई वॉन्टेड टू मेक अ यूनिक लुक जहाँ पे मैं बिल्कुल भी ड्रेस्ड अप नहीं हूँ कम्प्लीटली, मैं जैसे घर पे बैठती हूँ वैसे ही, बिकॉज आई वॉन्ट टू इनकरेज दिस इन द कमिंग ईयर्स और इन द कमिंग डेज और मंथ्स। मैं चाहती हूँ कि सारे यूट्यूबर्स बिल्कुल नेचुरली वीडियोज़ बनाया करें, इवन इफ इट्स हॉल वीडियोज़, इवन इफ यू नो यू आर क्रिएटिंग न्यू कॉन्टेंट, इट शुड बी मोर रियलिस्टिक। सो इसलिए मैंने नो मेकअप, ओनली हल्का सा आई लाइनर लगाया क्योंकि इतना भी ब्लैंड नहीं आया, और यूजुअल लाइफ में मैं आई लाइनर वगैरह लगाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैंने लाई जो मैंने कलेक्ट किया वो था एक ब्लैक ड्रेस, और प्राइसेस यार मुझे याद नहीं है, ये 2 महीने पहले की बात है जब ये शुरू भी नहीं हुआ था, और तब सरोजिनी नगर तो क्या कहीं पर भी इतना डर नहीं था इंडिया में। तो अराउंड उससे भी पहले मैंने थोड़ी थोड़ी कलेक्शन की थी, जो हो सकता है कि किसी और हॉल में मैंने ना दिखाई हो। तो इसमें स्ट्राइप्ड स्लीव्स हैं, स्लीव्स और ये एरिया काफ़ी ब्रॉड है। ये मैंने ओवरसाइज्ड ड्रेस ली थी, मैक्सी ड्रेस है ये, और इस पर ब्रांड का नाम तो नहीं लिखा है, कटा हुआ है, लेकिन द मटीरियल इज़ वेरी गुड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मटीरियल है। इट्स वेरी लाइट वेट एंड इट्स वेरी लॉन्ग, तो दिस कैन बी वोन विद अ हैट लाइक दिस और एनी अदर हैट एंड लाइक अ बेल्ट, और नीचे नॉर्मल बीच चप्पल्स पहनो और निकल जाओ विद अ बोहो बैग। सो दैट्स द काइंड ऑफ एन आइडिया दैट आई हैड दैट आई विल बी वेयरिंग ऑन केरला बीच। तो ये है वो ब्लैक ड्रेस। अब क्योंकि इतना टाइम मिल रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल ट्राई कि सरोजिनी नगर का ट्राई ऑन हॉल भी आपको देखने को मिल जाए। इसी जगह से मैंने एक और ड्रेस ली थी, ये मैंने किसी और टाइम ली थी, वो ड्रेस मैंने किसी और टाइम ली थी। तो इसमें ऐसी स्लीव्स हैं, रफल्ड अप स्लीव्स, एंड बिकॉज ये स्लीव्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं सो आई बॉट दिस, एंड दिस इज ऑल्सो ओवरसाइज्ड एंड आई काइंड ऑफ लाइक दिस नंबर रिटन। इनफैक्ट मुझे किसी भी फैब्रिक में नंबर रिटन अच्छा लगता है, एंड दिस इज़ द सेम काइंड ऑफ लेंथ, सेम मटीरियल, ओनली डिफरेंस इज स्लीव्स एंड यहाँ पर कुछ लिखा हुआ। ओके, वन ऑफ माई रेयर फाइंड्स दैट आई लव, इसका मटीरियल तो बहुत ही अमेजिंग है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही किसी शोरूम से लाई हूँ, और इसकी नेक लाइन भी बहुत ही टेम्पटिंग और सेडक्टिव और वेरी नाइस, लाइक आई लव इट। सो आई एम गोइंग टू वेयर अ प्रॉब्ली अ ब्रालेट इनसाइड दिस, अब जब सरोजिनी नगर खुलेगा तब जाके ब्रालेट मिल पाएगी। और इसकी स्लीव्स थोड़ी सी पफ लुकिंग है, तो बेसिकली यहाँ तक स्लीव्स आएंगी, एंड इट हैज़ अ वेरी नाइस प्रिंट। इस प्रिंट में बर्ड्स भी बनी हुई हैं, फ्लोरल भी है, एंड इट हैज़ अ स्लिट इन बिटवीन, कैन यू सी? सो इट्स अ वेरी सेक्सी येट लाइक यू रिवीलिंग समथिंग एंड यू नॉट रिवीलिंग समथिंग, ऐसा ही है, मतलब इट्स गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ मिस्ट्री। देन आई गॉट अ वाइट बोहो ड्रेस, आई हैव अदर वाइट बोहो ड्रेसेस सिमिलर टू दिस, बट वो थोड़ी सी ख़राब भी होने लग गई थी, प्लस आई नीडेड लाइक लिटिल बिग बिगर साइज ऑफ ड्रेस। तो इसमें भी यहाँ पर बीच में लेस डिटेल है, इफ़ यू कैन सी, सो दिस गिव्स अ वेरी नाइस लुक टू योर वेस्ट लाइन, ताकि वो एक मतलब काइंड ऑफ बड़ी स्वीट सी बोहोइश बीची लुक देता है, एंड देन इट हैज़ बटन्स इन द मिडल एंड अगेन इट हैज़ लिट, और सेम काइंड ऑफ वर्क यहाँ पर भी हुआ हुआ है। सो वेयरिंग अ लॉट ऑफ जंक ज्वेलरी, ऐसी वाली सिल्वर ज्वेलरी, बहुत सारी बैंगल्स विद बूट्स विद हैट, दिस विल ऑल्सो लुक सुपर ग्रेट। ज्यूम ऑल माई प्राइसेस टू बी अंडर 300 और 300 रुपीज़, बहुत ज़्यादा प्राइसी चीज़ें मैं नहीं लेती। देन आई गॉट दिस फ्लोरल टॉप,
कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ स्लीव है इसमें, सो यू कैन वेयर अ वेरी कलरफुल लाइक एनी ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, येलो, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स ब्रा और एनी कंट्रास्टिंग काइंड ऑफ अ थिंग, और इसमें एक नॉट बन जाती है एंड में, एंड दिस इज हाउ द टॉप लुक्स. You see, it's so floral yet black. So, wo basically, when you're not feeling it, you can wear a black top with florals and it will make you look nice. So, isko then I got this shirt dress kind of a thing, jo ki A line hai. Again, floral. And isme ye thodi si mujhe expensive padi thi. Ye maine winter time mein summerish dress li thi. And this also, I think, has a slit in the end. Bahut sare buttons hain, so you can button it down, button it up as much as you like. Sleeves full hain aur this looks very nice. It takes a very good body shape. Aur again, iska bhi jo material hai wo bahut hi zyada aisa lagta hai jaise kisi mall se liya ho, kisi branded store se liya ho. So one of my favorite finds again, very floral, very pretty, like pastely colors, all good. Red color, red color dress, tie dress hai ye, basically wrap around dress hai. And this is how it looks from the back. The sleeves have a little ruffle going on. Thoda sa neck pe bhi ruffle chal raha hai. This is a very flowing dress, so iske niche kuch pehenna padega. But this is again a lot maxi. Matlab iska layers hai, to your legs will be shown. To tie up karo, iske niche ek bralette pehno. Wear a nice skirt below it, jo ki contrasting color ho ya black color ho. Thoda sa dikh bhi jaye to it will not look bad. So I kind of like it. Then जिस store से मैंने ये pink dress ली थी, उसी store से, उसी जगह से मैंने ये night suit लिया था. और इस night suit को पहनने के लिए मैं इतनी excited थी कि मैंने घर के अंदर जब quarantine time में हमने एक party decide करी, ऐसी मतलब we decided कि हम party करेंगे और घर के अंदर, और ऐसे feel करेंगे जैसे lot of people have come. So that day I wore this pajama party में, I created this theme. So I wore this night suit and it has a set pajama. तो मेरे पास इससे पहले भी सूरज नगर से नाइट सूट हैं जिसमें शॉर्ट्स हैं मेरे पास और वो फुल स्लीव्स हैं, तो ये बहुत ही कम्फर्टेबल था क्योंकि इसके स्लीव्स भी नहीं हैं और प्लस शॉर्ट्स भी बहुत शॉर्ट नहीं हैं, तो पजामा है क्योंकि. एंड इट हैज़ अ वेरी नाइस प्रिंट, अगेन बर्ड्स एंड फ्लोरल, काइंड ऑफ लव इट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो. और मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्लीज़ बी सेफ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मेरी बाकी वीडियोज़ हैं. एक कि मैं लॉकडाउन होने से पहले चोपता गई थी, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, यू विल इन्जॉय लुकिंग एट द वीडियो. एंड रियली अगर लॉकडाउन जब खुलेगा तो आपको जाके देखना चाहिए कि वो जगह कैसी है. फिर मैंने एक फाई श्रीदेवी लुक्स करा जिसके बारे में बहुत प्राउड नहीं हूँ, बट मैंने फिर भी वो बकवास भी है वीडियो या अच्छी भी है, तो एक बार जाके देख लो यार. और मैंने तीन चार और वीडियोज़ बनाई हैं क्वारंटीन टाइम के अंदर अंदर, उनका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, उनको भी देख लेना. एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको हाउ आर यू फीलिंग दीज डेज, आर यू फीलिंग गुड, आर यू फीलिंग बैड, टॉक्सिक घर में रह रहे हो तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो. वी कैन शेयर नोट्स ऑन दैट ऑल्सो. एंड आई होप दिस गेट्स ओवर सून. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.